काय तुम्हा सर्व दर्शकांचं स्वागत करते आणि हळू 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 होत करत संपूर्ण चित्र भारतभरात स्पष्ट झालेलं आहे आणि आता म्हणायला हरकत नाही पुन्हा एकदा मोदी सरकार जी और मोदी जी अभी वापस से अपनी जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने की तैयारी भी कर रहे हैं जी और अकोला का भी जो माहौल है तो अभी दिखाई दिया है कि सभी अपने बीजेपी समर्थकों ने एक हमारे जो राउत सर है वहां पर उनसे हम बात करते हैं। राउत साहब आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो आपका स्वागत है फिर से एक बार जी। अभी क्या क्या अपडेट है आपके पास? अभी जी 22 फेऱ्यांची आता जवळपास संजय भाऊ धोत्रे जी यांना 4,78,376 मते मिळाली आहेत जी। त्यासोबत विधायक पटेल यांना 2,27,267 मते मिळाली आहेत जी। तर प्रकाश आंबेडकर यांना 2,40,867 मते मिळाली आहेत जी। म्हणजे जवळपास हा आकडा जर पाहला तर संजय धोत्रे यांची आघाडी जी आहे ती 2,37,809 मतांची आघाडी आहे जी। राजेंद्रजी हा तसा पाहला तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आघाडी घेणारे संजीवभाऊ धोत्रे हे एकमेव उमेदवार आहे जी। कारण संपूर्ण महाराष्ट्रातलं जर चित्र पाहलं तर जास्तीत जास्त 50-60-70 पर्यंत आघाडी घेतलेले उमेदवार आहेत। संजीवभाऊ धोत्रे एकमेव उमेदवार आहेत की ज्यांनी जवळपास आतापर्यंत 2,25,00,000 जवळपास लीड घेतला आहे जी। आता केवळ 3-4 ह्या ज्या आहेत फेऱ्या आल्या म्हणजे अकोला पूर्वच्या जवळपास 26 फेऱ्या होतात ते 4 फेऱ्या बाकी आहेत। पश्चिमच्या 3 फेऱ्या बाकी आहेत। अकोटच्या 3 फेऱ्या बाकी आहेत आणि बाळापूरच्या 3 फेऱ्या बाकी आहेत। पुढच्या पुढच्या फक्त फेऱ्या ज्या आहेत त्या 3 फेऱ्या एक्स्ट्रा राहणार आहेत। त्याच्यामुळे त्या फेऱ्या ज्या आहेत त्या जवळपास 29 पर्यंत पोहोचतील। आणि यासोबतच व्हीव्हीपॅट मशीनची जी आहे ती एक फेरी राहणार आहे। त्यामुळे या मतमोजणीला जवळपास अजून 2 तास लागतील असा अंदाज वर्तवला आहे। विवेक जी मुझे ये बात बताइए कि जो पूरा जो प्रोसीजर है ये जो पूरा सरकारी जो प्रोसीजर है मतगणना का वो कब तक पूरा होगा? फिर जैसे आपने कहा कि अभी इतनी फेरियां बाकी है तो पूरी जो प्रक्रिया होती है वो कब तक? क्योंकि उसके बाद जो विजेता उम्मीदवार है उनको कलेक्टर साहब अपने प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे उनको विजय होने का। तर जवळपास अजून 2-2.5 तास लागतील जी। कारण हा फेऱ्या नाही हे म्हणता असं आता 22 फेरी आहे त्यानंतर जवळपास 31 फेऱ्या आहेत पूर्ण एकूण म्हणजे 22-7 फेऱ्या अजून बाकी आहेत। त्यासोबतच व्हीव्हीपॅट मशीनची फेरी बाकी आहे की विधानसभा न्याय 5 ईव्हीएम घेऊन व्हीव्हीपॅट मशीन घेऊन ती करण्यात येणार आहे। त्याच्यामुळे या प्रक्रियेला जवळपास 2-2.5 तास लागेल। त्यानंतर मग अधिकृत घोषणा म्हणजे 3 तास लागेल। आता सध्या 4:30 वाजलेले आहेत म्हणजे 7:30 पर्यंत संपूर्ण निकाल घोषित होऊन त्यांना जिल्हाधिकारी जे आहेत ते प्रमाणपत्र प्रदान करतील। काही विशेष जानकारी आता सध्या तरी विशेष माहिती नाहीये। त्या थोड्या वेळात जेव्हा संदीभाऊ धोत्रेंना भेटलो तर त्यांना म्हटलं आम्हाला एक मुलाखत हवी आहे जी। त्यांनी सांगितलं की मला अजून 1-3 तास बाकी आहे 1 तासानंतर ती कदाचित आपल्याशी जुळू शकतात जी। धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। विवेक जी आप वहां पर बने रहे। साधारणतः आता आपल्याला समजलंय की 7:30 वाजेपर्यंत आपल्यापर्यंत सगळा निकाल पोहोचेल आणि औपचारिकता बाकी जी घोषणा होणार बाकी आहे। लीड आहे
उसको कवर करना मुश्किल नहीं क्योंकि फेरिया और राम जी सर अगर बाहर देखे तो बाहर पूरा माहौल समर्थकों ने तैयार कर लिया है और हमारे जो प्यारे खासदार है संजय जी धोत्रे उनके सभी होर्डिंग्स वगैरह सब तरह खड़े हो गए हैं और एक प्रकार की जो शाम को हम लोग कहते हैं कि अभी उनकी जो प्रचार यात्रा जैसे महकती थी बस उनकी अभी विजयी यात्रा चहकेगी और सभी तरफ एक ही नारा होगा। एक बात तो साफ है पूजा कि जो हिसाब से आपने बताया कि सब होर्डिंग्स वगैरह लग गए इसका मतलब ये तैयारी दो तीन दिन पहले से शुरू थी। यानी बीजेपी को पूरा विश्वास था कि अकोला की सीट तो जीतना ही जीतना करके आज उन्होंने जैसे अब लगा कि अब इतना पॉसिबल नहीं है इतना कवर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है और लगा कि अपनी जो विजय यात्रा है उसको अब निकालने की तैयारी में लगे हैं। और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हम अगर बात करें तो उन्होंने भी काफी जोरों की टक्कर दी है और पहली बार ही जैसे उन्होंने देखा कि जैसे लाखों के घरों में उनके भी जो मत है वो पहुंच चुके हैं तो उनके बारे में भी आपका क्या कहना है कि अभी देखो पूजा एक ये बात कहां से विजय बीजेपी की जीत कहां से तय हुई सबसे पहले तो जब वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने जब कांग्रेस के साथ में समर्थन करने से इनकार कर दिया जी। अगर वो समर्थन मिलता था दोनों अगर गठबंधन करते थे तो आज की स्थिति कुछ और होती। अगर आप देखें अगर कांग्रेस और बहुजन इनके अगर आप वोटिंग अगर पकड़े तो लगभग इतनी चुनौती हो रही है। इसका मतलब साफ है कि मतों का विभाजन हुआ है दोनों में और इसका पूरा फायदा बीजेपी को। और एक बात ये भी कह सकते हैं रामजी सर की जैसे अभी लोकशाही है लोकतंत्र है और सभी के अपने अपने व्यूज है तो सभी अपने व्यूज के अनुसार चल रहे हैं और लोकतंत्र ने अपने राजा चुन लिए हैं और अभी उनके ही राज्य में हमें अपना पूरा भारत देश का विकास दिख रहा है। सबसे बड़ी जो राजा होती है वो जनता होती है जी। जनता ने सामने हम लोग मोदी जी को वापस लाने का निर्णय लिया है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ जो 7 चरणों में जो चुनाव लिए गए उसमें मोदी जी के ऊपर जैसे ऐसे कम होते गए जैसे ऐसी मतदान होते गया राज्यों का तो उनके ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई गई उनको प्रधानमंत्री के पद को न शोभे ऐसे कुछ वर्तन किए गए उनके खिलाफ में ऐसे आरोप लगाए गए चौकीदार चोर है नीच और ऐसे बहुत से शब्द उन्होंने बोले 50 ऐसी गालियां हैं जो उनको दी गई है। तो लोगों में भी कहीं तो भी मतदाताओं में उनके प्रति रोष तो था कि ये बोला जो गलत बोला तो उसका भी एक प्रभाव ये हुआ कि उनका वोट बैंक बढ़ गया इधर बीजेपी की तरफ जो कन्वर्ट हो गए पूरे लोग जो अगर कांग्रेस के भी जो अगर देने वाले होंगे लेकिन उनके नेताओं की जो भूमिका देखकर उनको रोष हुआ कि यार ये क्या लोग है जो इतने बड़े सर्वोच्च पद को इतने बड़े से अपमानित कर रहे ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बात क्योंकि इसके पहले महापौर साहब भी आए थे हमारे कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता गिरी उन्होंने भी इसी अच्छे तरह से अपने उन्होंने भी इसी बात को किया कि जो भी कुछ अगर इसने अगर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है तो जितनी उन्होंने गालियां दी उतना वोट इनका बैंक बढ़ा है वोट बैंक। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से आम जनता ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है। अगर देखा जाए तो जो पिछले 4 साल थे तो इन 4 सालों में भारत ने बहुत कुछ देखा है जी जी और बहुत कुछ झटके भारत ने खाए हैं जी जी और शायद अभी अगले 4 सालों के लिए भारत तैयार हो गया है और कुछ और भी झटके और कुछ जो उनके लिए जो कुछ नया है मोदी जी के मन में वो अभी वो सोच रहे होंगे कि जैसे मोदी जी ने नोटबंदी लाई थी और सर्जिकल स्ट्राइक इस बार हमने देखा तो ऐसे ही कुछ नए झटके भारत के सभी जनता को लगने वाले हैं तो सबके मन में और भी उत्सुकता भी बढ़ गई है। नहीं उसमें क्या हुआ कि जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद जब उन्होंने पहला निर्णय लिया नोटबंदी का नोटबंदी के बाद उन्होंने GST लगाई जिसके कारण ऐसा लग रहा था सभी को चाहे मीडिया हो या फिर आम लोग हो अन्य पार्टियों को लग रहा था कि इसका पूरा झटका नोटबंदी का और GST का नोटबंदी के कारण आम नागरिक परेशान हो गया GST के कारण व्यापारी परेशान है तो ऐसा लगा था कि इस बार के चुनाव में ये व्यापारी और आम जनता मोदी सरकार को सबक बताएंगे सिखाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टा और ज्यादा उनका वोट बढ़ गया। उसमें क्या होगा कि कुछ नए मतदाता जो है वो युवा जो है जिनमें लोकप्रिय मोदी जी लोकप्रिय है जो उनके जो कदम साहसी कदम जो उठाए जो आज वो विदेशी यात्रा किए उन्होंने इतने विदेशों में जा जाके अपना काम शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे इन विदेश यात्राओं से उन्होंने अलग अलग देशों से कुछ सीखा है और उनके कुछ नए स्टाइल है जो अपने भारत में उन्होंने लाए हैं। विश्व में भारत की साख बढ़ी है जी।
एक जो कोई देश होता था वो हमारे तरफ हकारत की दृष्टि से देखता था, लेकिन आज उसको लगता है कि प्रगतिशील भारत है, क्योंकि राजा यथा राजा तथा प्रजा, राजा अगर अच्छा होगा तो उसकी प्रजा भी अच्छी होती है, तो राजा अगर अच्छा हो तो प्रजा के अंदर में भी आत्मविश्वास एक अलग एक पावर सा दिखाई देने लगा है, जिसके कारण लोगों ने अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार को लाने का फैसला किया, वो आ गए जी। और अभी तक अगर देखा जाए तो मोदी जी के पहले हमारे साथ कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के साथ भी हम लोगों ने हमारे भारत ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन कैसा है कि लोगों को बदलाव पसंद है, लोगों को यानी युवा है, तो युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु, और वायु के वेग से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और शायद ये वेग मोदी जी ने हमें हमारे भारत को प्रदान किया है। जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो युवा वर्ग है वो चाहते हैं कुछ बदलाव हो देश जी, में जी। वही पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपने कहा कि अभी बुलेट ट्रेन की जैसा अभी शुरू होने वाली है, अपने अकोला की शहर की बात देखो तो नए नए बड़े बड़े रोड्स बन गए, फ्लाईओवर ब्रिज का काम शुरू हो गया जी। वाटर जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो गया अकोला की, अगर हम बात करें तो अकोला के अंदर भी काफी विकास कार्य हो रहे हैं आने वाले 5 साल में, क्योंकि अब सारा पूरक वातावरण है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, अकोला में भी भाजपा सत्ता में है, तो ये अकोला वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और आने जो महापौर साहब ने भी बताया हमको कि आने वाले जो 5 साल होंगे वो आप विकास आपको दिखाई देगा जी। सारी बड़ी बड़ी योजनाएं उनको पूरा होने में समय लगता है और फिर एक बार मोदी सरकार और उन्होंने पूरा करके दिखा है, और हम कह सकते हैं कि ये जनता की भी जीत है जी। क्योंकि जनता के दिलों में बसे थे मोदी जी, हमने देखा कि हमने एक जनता का हमने कौल लिया था, कौल जनते का ये प्रोग्राम लिया था, उसमें हमने देखा कि छोटे बच्चे भी कह रहे थे कि मोदी जी ही आएंगे, कि जिनको मतदाता नहीं बन चुके ना 18 साल के नहीं है जी, छोटे बच्चे भी इतना, जैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी हर एक के दिल में बसे थे जी जी, उसका परिणाम ये है कि आज पूरे देश में आपको पूरा रुझान दिखाई दे रहा है। 350 तक जब आखिरी फैसले तक मुझे ऐसा लगता है कि 350 तक भाजपा को सीटें मिल सकती है, 350 आखिरी अगर हम देखें तो, अभी थोड़ा आगे पीछे शुरू है, कहीं तो भी गिनती शुरू है, कहीं पे कोई 1-2 हजार से आगे पीछे चालू, लेकिन अगर फाइनल अगर आप देखें तो 350 तक तो जाना ही है। और सब कुछ कैसे अविश्वसनीय लग रहा है, पिछले 4 सालों में भी यही था कि सबको लग रहा था कि मोदी जी इतने सारे वोटों से और इतने सारे सीटों से चुन के आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, और इस बार भी यही चित्र हम सभी भारतवासियों को देखने के लिए मिल रहा है, तो सच में ये सब लोगों को अविश्वसनीय लग रहा है जी, क्योंकि अभी देखने में आया कि जब मोदी को हराने के लिए महागठबंधन बनाया गया जी, कई पार्टियां मिलकर एक महागठबंधन बनाई थी, लेकिन जनता ने साफ तौर पर महागठबंधन को नकार दिया पूरी तरह से नकार दिया है, और अपना पूरा विश्वास भाजपा सरकार पर जताया। भाजपा सरकार ने कई ऐसे वादे किए, जैसे राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बनना ही है, लेकिन वो भव्य कैसा बने ये हम विचार कर रहे हैं। दूसरी बात बोली थी उन्होंने धारा 370 हटाने की, जो कश्मीर को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार दोबारा बनती है तो 370 की जो धारा है वो जरूर हटाएंगे जी। और अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे, ये उनके चुनावी वायदे हैं, वो सरकार अगर दोबारा उनकी अब स्थापित हो ही गए हैं तो ये अब देखते हैं आगे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। और कुछ महीनों पहले अगर हम देखें तो जैसे शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, और उसके भी कुछ अलग से रिजल्ट है जो हमें इस इलेक्शन पर पाए गए हमने जी, तो जी। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन से क्या रंग लाई ये चुनाव? पूजा देखो, इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, ठीक है, उसमें 40 सीटों पर शिवसेना और बीजेपी ने अपना विजयी परचम लहराया है। अब आने वाला जो विधानसभा के चुनाव है 6 महीने बाद ही अक्टूबर में, 4-5-6 महीने, उसमें भी दोनों अभी विचार मंथन शुरू हो गया, फिर उसमें भाजपा और शिवसेना गठबंधन होगा। आज के जो निकाल अगर हम देखें तो साफ जाहिर होगा कि वो विधानसभा के चुनाव में भी 200 सीट कर सकते हैं, दोनों मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना भी एक हिंदुत्व विचार व धारीवाली पार्टी है, भाजपा को भी हिंदुत्व से जोड़ा कर देखा जाता है, तो ये दोनों सम विचारी पार्टी होने के कारण इनका गठबंधन सक्सेस है। अगर आप दूसरे गठबंधन की तुलना में देखें तो इससे मनसे ने खुद को अपने आप से दूर रखा, मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने भी इस चुनाव में मोदी के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन
इसका नुकसान उनको अभी नहीं लेकिन विधानसभा के चुनाव में जरूर पड़ेगा जी। और देखा जाए तो जैसे अभी जैसे जैसे ये चुनाव सामने आ रहे थे, चुनाव का जो ये रिजल्ट सामने आ रहा था, तो भारत देश में एक अलग अलग राजनीतिक स्टंट खेले जा रहे थे कि जैसे राज ठाकरे जी का बयान हो, उनके वीडियोज हो, या फिर जो भी कुछ नए हलचले हमारे भारत में हुई, तो सब कुछ एक सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा उसके अंदर, कोई चित्र को अपलोड करना, उसको विकृत करके भेजना, ऐसे प्रकार से बहुत चले, तो कैंपेन बहुत हुआ आपकी बात सोशल मीडिया में। आपको देखा होगा कि अकोला के अंदर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रचार कहीं दिखाई नहीं दिया, जो आम चुनाव में होता था वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए इस बार ऐसा लगा ही नहीं कि इलेक्शन है। शायद भाजपा वालों को भी पहले पता चल गया था कि जीत हमारी पक्की है, और सामने वालों को पता था कि हम हारने वाले हैं करके, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि तिरंगी लड़त होंगी कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी में, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं। और जो सोचा था जैसे कि आपने कहा कि जैसे बीजेपी पार्टी को पता था कि हमारी अकोला में हमारी जीत पक्की है, लेकिन जैसे देखा जाए तो ये सभी हमारे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व था ये पूरा इलेक्शन, लेकिन सभी प्रसार माध्यमों ने और जो भी हमारे मीडिया ने है ये पर्व को और बड़ा बना दिया है। जी जी, और शासन ने भी, प्रशासन ने भी सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील की थी कि आप घर से बाहर आइए, एक एक वोट की कीमत पहचान। लेकिन मैं आपको पूजा बता दूं कि पूरे भारत में जो चुनाव हुए इसमें 50,000 करोड़ खर्चा हुए, इस चुनाव में 2014 की तुलना में 40% ज्यादा खर्चा हुआ। भारत की जनसंख्या तो काफी, लेकिन 90 करोड़ मतदाता है, 90 करोड़ में से केवल 60 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, 30 करोड़ जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। 30 करोड़ कोई मामूली संख्या नहीं होती, तो आगे आना चाहिए, लोगों ने अवेयरनेस होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी, केवल एक वोट से भाजपा की सरकार गिर गई थी उस समय, तब पता चला कि एक वोट का महत्व क्या होता है। और इसी के साथ अभी जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में हम लोगों को अभी आह्वान कर सकते हैं कि उन्होंने इस बार तो भी 100% जो है वोटिंग करना चाहिए, और हमारा राजा हम चुनते हैं, इसलिए इस पूरे परिणाम में हम लोग शामिल होते हैं। तो इसी के साथ, और अब की बार मोदी सरकार हम लोगों ने चुन के दी है, और देखते हैं आने वाले सालों में और कुछ नए खुलासे होते हैं और कुछ नए परिणाम जो हमारे भारत के विकास पर होते हैं। आज के जो देर रात तक जो सभी पूरे देश के नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद रात से ही कवायद शुरू हो जाएंगी मंत्रिमंडल, और कल हमारे भारत का चित्र कुछ अलग होगा। जी जी बिल्कुल, देखने में तो, क्योंकि इतनी बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई थी, क्योंकि मोदी जी अगर दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली बात तो पाकिस्तान जैसा देश, जो हमेशा हम हमेशा उसको शांति का प्रस्ताव देते हैं और उसके उल्टा प्रभाव होता है, लेकिन अब मोदी जी डबल आने के बाद फिर कहीं तो भी वो पाकिस्तान में कहीं तो भी फिर एक डर बढ़ गया है कि अभी मोदी जी फिर आ गए, तो अब हो सकता है कि भविष्य में वो आतंकवाद की घटनाएं बंद कर दे, क्योंकि हम सेना के अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो हम काफी मजबूत हो चुके हैं, मिसाइल्स, बड़े बड़े मिसाइल्स हमारे पास खुद के पास अब हो गए हैं। अभी चिनोस हेलीकॉप्टर जो लादेन को घुसकर मारे थे, जो हेलीकॉप्टर ने, वो हेलीकॉप्टर भी हमारे पास आ गए, बड़े बड़े युद्धपोत का अभी जलावतरण हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो कहीं तो भी हम सामरिक दृष्टि से काफी मजबूत है जी। और एक सर्वे होता है सभी देशों में कि वहाँ के जो राजा होते हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनमें से सबसे लोकप्रिय व्यक्तिमत्व कौन होता है, तो सबसे लोकप्रिय व्यक्तिमत्व एक मोदी जी का भी है जी जी। और हमें एक फोन कॉल आ रहा है जो राउत सर हमारे साथ है, तो हाँ जी राउत जी, शायद कट गया है जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो सर्वे किया उन्होंने तो हमारे जो मोदी जी है वो भी काफी लोकप्रिय व्यक्तिमत्व उनका बताया गया है उन सर्वे के अनुसार, और काफी प्रभावशाली भारतीयों में उनका नाम लिया जाता है मोदी जी का। जी जी, हम संपर्क करते हैं, शायद हमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं। और हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो वरिष्ठ संपादक है राउत सर, वो भी सुबह से हम लोगों को वहाँ से पूरी जानकारी दे रहे हैं। जी जी, और देखा जाए तो पूरी भीड़ अभी भी वैसे ही है, तो जैसे सबके मन में उत्सुकता है, तो शायद ही शाम 7:30 के बाद ही वहाँ की धूप, वहाँ की भीड़ कम होगी जी।
ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य, ये है एक मीडिया का एक रूम बनाया हुआ है वहाँ पे, पूरे जो मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो, इन सभी लोगों को एक कैबिन बनाया गया वहाँ पर, ताकि वहीं बैठे बैठे उनको सारी मतगणना की जानकारी एक ही जगह पर एक ही स्थान पर उनको मिल जाए, पत्रकारों को भटकना ना पड़े, इससे उनके काम में भी व्यवधान पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव निर्णय अधिकारी है और कलेक्टर जी जितेंद्र सर, तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी और काफी इसमें सुविधा ये हो गई कि पत्रकारों को अधिक घूमना नहीं पड़ा कहीं पर, उनको बैठे बैठे सारी जानकारी मिलती रही। और देखा जाए तो प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और बहुत सारी प्रशंसा के हकदार वो है कि उन्होंने इतनी अच्छी जो पूरी तैयारी की है इस चुनाव परिणाम के लिए है, तो बहुत अच्छी की है और उसके वजह से सभी लोगों को आसानी से ये पूरी जानकारी पहुंच रही है जी। और साथ ही हमारे आरआरसी नेटवर्क ने भी बहुत अच्छी तरह से सुबह से उनके साथ, आप भी जुड़े हैं और राउत सर भी जुड़े हैं, हमारी पूरी टेक्नीशियन टीम जुड़ी है और इतनी अच्छे से जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। पूजा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही अब ये पूरे देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए, अब कल से देखना आपने, कल से अब जो विरोधी है जो बुरी तरह असफल रहे हैं वो अब ईवीएम के ऊपर इसका टिकरा फोड़ेंगे। उनका कहना ये होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसकी वापस जांच कराई जाए। ये जो मुद्दा है वो थोड़ी देर बाद मैं भी आपके साथ चर्चा में लाने ही वाली थी कि अभी लोगों के क्या नुस्खे होंगे कि जो उसके आधार पर लोग अब जो भी चुनाव परिणाम आया है उसके ऊपर वो बाण चलाएंगे। जी बिल्कुल, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी, काफी दिनों से ईवीएम को लेकर चर्चा चल रही है कि उसमें कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, ऐसे आरोप विरोधी लगा रहे। कुछ दिन पहले अगर आप बात करें तो भारत चुनाव आयोग में 22 दल गए थे कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें गड़बड़ी करना संभव नहीं है। इसके लिए चलिए आपको विरोध देखते हुए वीवीपैट का पहली बार अब की बार इसमें इस्तेमाल किया गया है। वीवीपैट जब, जैसे आपने राउत जी ने इसके पहले बताया था कि पहले ये पूरी मतगणना प्रक्रिया होने के बाद जो पांच पांच जो है सेंटरों से वो वीवीपैट का मिलान करेंगे जी, उसमें 2-2.5 घंटा लग जाएगा, उसके बाद ही शासन अपना डिक्लेयर करेंगे विजयी कौन रहा, इसको कितने मत मिले हैं। क्योंकि जैसे तंत्रज्ञान और आगे बढ़ रहा है, अनेक नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, तो उसका हम जैसे हम लोग जितने उसके फायदे हैं उतना उसका नुकसान भी है, हम लोग हर बार देखते ही है। लेकिन जो ऐसी प्रणाली आई है चुनाव परिणाम के लिए, तो ये काफी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट हमें दे रही है और सच में जो विरोधी पक्ष है उसके बारे में अभी कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही, तो ये भी कल से एक नया मुद्दा रहेगा सभी मीडिया के लिए, सभी लोगों के लिए कि अभी ये चुनाव के बारे में के बाद और इसके रिजल्ट के बाद लोग क्या क्या अपने तर्क लगाते हैं जी। वो तो बिल्कुल सही बात है पूजा, देखो कोई भी अगर पार्टी आती है तो उसका विश्लेषण भी किया जाएगा कि लोगों ने हमें स्पष्ट क्यों नकार दिया जी। कहीं तो भी जो विरोधी पार्टी जो हारी है तो उनमें कहीं तो भी दोष तो है ही, क्योंकि उनके नेताओं के बड़बोलेपन ने बहुत से उनकी जो इमेज है पार्टी की इमेज भी खराब की है, लोगों का मन खराब किया है और अपनी खुद की छवि एक लोगों के सामने एक अलग प्रकार की इसके मन में सोच क्या है। चलिए हम राहुल जी से बात करते हैं। हाँ साहब, विवेक जी बोलिए। हाँ विवेक जी बोलिए। राजेंद्र जी, आतापर्यंत ज्या आहे फेऱ्या ज्या आहे जी, त्या 26 फेऱ्या झालेल्या आहे जी, आता केवळ मूर्तीजा मुंडेच्या 3 फेऱ्या आहे जी, जी केवळ राहिलेल्या जी। 26 फेऱ्यांमध्ये आतापर्यंत जे उमेदवारांना मते मिळाली आहे जी, त्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 70 होते जी, त्यांना 5,33,397 मते जी, त्याग पटेल यांना 2,47,135 मते जी, ऍडव्होकेट आंबेडकर यांना 2,79,667 मते जी, असे मतदान झाले आहे जी। आतापर्यंत झालेल्या एकूण मतदानामध्ये 10,77,607 जी काउंटिंग झालेला आहे जी। संजीवन गोप्ते हे सध्या 2,63,831 जी
जी आता केवळ जे आहे मुक्तिजापूर जी। आपने जैसा बताया था कि ये साढ़े साढ़े पांच बजे तक ये पूरा हो सकता है। बरोबर ये कसा है ये जो पर्यंत जी 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 जैसे आपने बताया कि 7:30 तक पूरा सब हो सकता है पूरी प्रक्रिया जी। अभी जो भाजपा के जो उम्मीदवार है इसके अलावा कोई कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे वहां पर हिदायत पटेल उम्मेदवारांपैकी फक्त केवळ मला सकाळपासून जी तर कोणतेही उमेदवार झाले जी उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए संजय धोत्रे को छोड़ के जी 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 चलिए। तो अभी ये जो तीन जो अभी बचे जैसे आपने कहा कि 26 अभी हो गई है वो तीन फ्री बाकी है तो उसको अभी कितना समय लग सकता है और आधा आधा कौन घंटा हम पकड़ के चले नहीं नहीं जी 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 यानी 20-21 मिनट के अंदर अभी पूरी जो 29 फेरी जो पूरी हो जाएगी जी। उसके बाद भी वीवीपैट की जी 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 ठीक है जी विवेक जी आप वहां पर बने रहिए और हमें अपडेट देते रहिए।